Hey, hello guys. So, welcome back to another blog of Tarun Diaries. So, कैसे हैं आप लोग सभी? I hope आप सभी बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, और खुश होंगे, बिंदास होंगे. So, आज आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा कि मैं आज जो है रोडीज के ऑडिशन देने जा रहा हूँ. तो काफ़ी जो मतलब युवा रहते हैं उनमें काफ़ी इस चीज़ का क्रेज़ है रोडीज में जाने का. तो मैं भी आई थिंक 8-9 साल पहले से रोडीज देखता हूँ MTV पे. सो लास्ट टाइम जो इसके ऑडिशन हुए थे वो 2019 में हुए थे. चंडीगढ़ में भी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, पुणे में भी होते हैं. तो मेरे को यहाँ से नियर जो है वो चंडीगढ़ है. तो मैं भी ऑडिशन देने जा रहा हूँ. कल ऑडिशन है चंडीगढ़ पंचकुला में इंद्रप्रस्थ स्टेडियम में. तो अभी आज मैं पिछले दिन ही शाम को निकल रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़े बहुत ऑडिशन मैंने बहुत देखे हुए हैं. तो वहाँ पे पिछले दिन में ही लाइन में खड़े होना पड़ता है. तो काफ़ी लोग वहाँ पे आते हैं. तो मैं भी अभी पिछले दिन ही रात को अभी 9-10 बज गए. तो मैं अभी थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यहाँ सोलन से. मेरे को दो ढाई घंटे लग जाएंगे मेरे को वहाँ के लिए. तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखना पूरा, मज़ा आएगा आपको. एंड नई चीज़ करने जा रहा हूँ तो मैं भी बहुत एक्साइटमेंट है मेरे को भी बहुत. और क्या क्या होता है वहाँ पर, तो होप फॉर बेस्ट एंड भगवान का नाम लेके जर्नी स्टार्ट करते हैं. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई थिंक अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है. एंड लाइक करना और शेयर करना. मिलते हैं. सो जो लोग रोडीज नहीं देखते हैं तो उनको मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि रोडीज जो है एक रियलिटी शो है जो कि MTV पे आता है, राइट. एंड इसमें क्या होता है कि आपका ऑडिशंस होते हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, पुणे हो गया, इंदौर हो गया एंड दिल्ली हो गया. यहाँ पे ऑडिशन होते हैं और इंडिया के आप बाहर के लोग भी आए होते हैं ऑडिशंस के लिए. तो उनमें से जो है तीन गैंग लीडर हैं अब की बार. प्रिंस नरूला है, रिया चक्रवर्ती है एंड आपका सोनू सूद सर तो जो है वो सूत्रधार है एंड गौतम गुलाटी है, ठीक है. सो वो अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं एंड फिर उनका जो है कंपटीशन होता है. फिर लास्ट में जो जीतता है वो रोडीज बन जाता है. एंड हर साल रोडीज जो है एक नई थीम के साथ आता है. तो इस साल जो रोडीज की थीम है वो है कर्म या कांड. एंड इससे पहले जो है वो रोडीज रेवोल्यूशन था. सो माता रानी का नाम लेके अब जा रहा हूँ मैं. जय माता. सो अब मैं जा रहा हूँ तो माता रानी का नाम लेके. होप फॉर बेस्ट. जो भी है नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए. सिलेक्शन होता ना होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट ये है कि आप जा रहे हो वो बहुत बड़ी बात है. बहुत लोग मिलेंगे वहाँ पे, नया सीखने को मिलेगा. सो फाइनली अब मैं 17 सेक्टर पहुंच गया हूं चंडीगढ़. सो यहां से मेरे को जाना है इंद्रप्रस्थ ऑडिटोरियम पंचकुला. गर्मी बहुत है यहां पे. सो बस स्टैंड में 5 मिनट रेस्ट करने के बाद मैंने जो है जल्दी से कैब बुक कर ली ताकि मैं जाके देख सकूं कि कितनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई है. तो आप ये देख सकते हो मैं पहुँच गया हूँ इंद्रप्रस्थ ऑडिटोरियम में और यहाँ पे 200-250 लोग मेरे से पहले जो है वो ऑलरेडी पहुँच चुके थे. यहाँ से थोड़े से आगे जाने के बाद जो मेन गेट है वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर तो इतनी लंबी लाइन लग गई थी ऑलरेडी. तो आप ये देख सकते हो. होना तो है नहीं, कुछ तो होगा. अब देख सकते हो जब मैं आया था तो अंधेरा था और अब तो सूरज भी निकला है. 7-7:30 हो गए और आप ये भीड़ देख सकते हो. भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है. क्या मैं मंडी से आया झंडे लेने? अरे जा यार, वो दे रहा बंदा भाई बोल रहे हैं उधर ही आके दे रहे हैं. सबको दे रहे हैं क्या? तू पहले खड़ो तू. सो जब तक गेट नहीं खुलता है तब तक म्यूजिक लगा के यहाँ पे लोग अपना टैलेंट दिखा रहे थे. कहीं पुशअप मार रहे हैं, कहीं
आपको बैक स्टैंड कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कितना जोश है लोगों में और कितनी एक्साइटमेंट है रोडीज के ऑडिशन देने के लिए। भूख लगी है पर कुछ खाने लायक मिल नहीं रहा, क्योंकि अब मेरे गले में ना टोनसन से हो गए हैं तो बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने सुबह गन्ने का जूस पिया था तो इतना जल रहा था मेरा मुंह, तो अभी मैं फ्रूट चाट देख रहा हूँ, अगर कहीं मिलती हैं तो वो खा लेता हूँ। मेरा एनर्जी तो डाउन हो गई है पूरी। 4 घंटे के सो आपने देखा कि कितनी भीड़ होती है, तो आपको लाइन में लगना पड़ता है काफ़ी देर तक। आप ये मान के चलो कि 3 से 4 घंटे तो आपको लाइन में लगना ही पड़ता है। वो वहाँ पे तो नॉर्मल सी भीड़ थी, बट मैंने सुना है जैसे जो दिल्ली इंदौर पुणे में होते हैं यहाँ पे तो रात को 12 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है, राइट। एंड सेकंड जो रहता है, गेट के अंदर आप कोई भी खाने पीने की चीज़ आप लेके नहीं जा सकते हो। सो अगर आप कैरी बैग लेके जाते हो या अपने साथ बैग लेके जाते हो तो वो आप बाहर गेट पे ही छोड़ सकते हो, अंदर आप कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं लेके जा सकते हो। तो आपको पहले से ही सुबह आके पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना है ताकि सारा दिन आप अपनी एनर्जी जो है कंजर्व करके रख सको। सो फाइनली अब 4 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली गेट के अंदर हमारी एंट्री हो गई है। अब देखते हैं आगे अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मेरे को भी इतना भी आइडिया नहीं है, और मेरी पूरी बैंड बच गई है, बैग बुक बाहर छोड़ दिया, खाने पीने का को अच्छा अंदर नहीं ला सकते हो आप। गेट के अंदर भी आप देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी है, और ये सामने जो है रजिस्ट्रेशन बूथ होता है, तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होता है और फॉर्म लेनी होती है, उसके बाद आप डायरेक्ट अंदर ऑडिटोरियम में जाके फॉर्म फिल कर सकते हो। सो चलो अब जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं। तो फॉर्म जो आपको खुद से पता होता है ना, आप वही आंसर दिया करो, मतलब आप इधर उधर से देख के नहीं देना है। जो आपके दिल में है, जो क्वेश्चन पूछा है, वो आप ट्रूली जो आपके साथ कभी हुआ है ना, तो वो आपने लिखना है। चलो बैठो अंदर, आगे चलो आगे। Say ya te nani ka tu lon
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने पिछली दफा रूटीन की जो नफा जब सब सो नाउ अब जो है टीम लीडर्स आ रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है उसके बाद जैसे स्टेज पे टैलेंट राउंड के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको डांस आता है, आपको पुशअप्स आते हैं, कुछ भी आप जाके दिखा सकते हो, राइट। तो अब जो है फाइनली हम मिलते हैं जजेस से, तो आप देख सकते हो कितनी एक्साइटमेंट है यहाँ लोगों में और कितना टैलेंट है। सो अब टीम लीडर्स और सोनू सूद सर से इंटरेक्शन के बाद जो है ग्रुप डिस्कशंस के लिए जाएंगे हम। तो ग्रुप डिस्कशन में होता है कि 25-25 स्टूडेंट्स को भेजते हैं एंड उसमें आपने थोड़ा प्रिपेयर होना होता है क्योंकि यहीं से काफ़ी बच्चे जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब एक या दो सेलेक्ट होते हैं 25 में, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो चलो होप फॉर बेस्ट। 1411 सो ये था आज का ब्लॉग। सो आई होगा आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फर्स्ट टाइम ही था मेरा, तो मैं भी एक्सपीरियंस के लिए गया था। सिलेक्ट होना ना होना इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगली बार अब मेरे को पूरा जो है मतलब पता चल गया है क्या क्या होता है। तो आप भी जाना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। इतनी भीड़ आई होती है वहाँ पे, दुनिया भर के लोग होते हैं। बाहर जाके हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने सुंदर लोग। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आई होप आज तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।